मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे अशुभ की समस्या क्या है और ईश्वरवादियों द्वारा किस तरह से इस समस्या का निदान खोजा गया है, या ईश्वरवादियों ने इस अशुभ की समस्या को किस तरह से आगे बढ़ाया है और किस तरह से अपना विचार रखा है और इसका समाधान कैसे ढूंढा है। तो अपने जीवन पर के नित्य अनुभवों पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन में अशुभ की प्रबलता होती है। अशुभ का अर्थ दुख होता है। यदि अशुभ को विश्व का हम आवश्यक अंग मान लेते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अशुभ का अर्थ होता है शुभ का अभाव। क्योंकि हम दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं कि हमें पीड़ा, दुख, पाप, निर्धनता इत्यादि चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। सुख दुख, अच्छाई बुराई सब आदि हमारे जीवन में लगे रहते हैं। तो जब हम अशुभ की समस्या पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि अशुभ हमारे एक दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के साथ घुला मिला हुआ है, दैनिक जीवन के साथ मिला हुआ है। इसे दैनिक जीवन की आवश्यकता नहीं कहें, हमारे दैनिक जीवन में यह मिला हुआ है। कभी हमें अच्छाई का सामना करना पड़ता है तो कभी बुराई का, कभी हमारे पास सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो ये दुख हमारे जीवन में लगा ही रहता है। तो ये इविल एंड सफरिंग्स को, यानी ये जो दुख है, इस इविल एंड सफरिंग्स को धर्म के इतिहास में एक समस्या के रूप में से कभी कभी लोग लिया है। क्योंकि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो यह विश्वास करते हैं ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है, दयालु है, तो फिर ये हमारे जीवन में अशुभ क्यों आता है, हमें क्यों दुख झेलना पड़ता है, हमें क्यों दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि ईश्वर दयालु है तो फिर वो हमारे जीवन में दुख क्यों भेजते हैं। तो सचमुच यह सवाल हमारे समक्ष उठ के आता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अशुभ या दुख हमारे समक्ष जो आता है वो कितने प्रकार का होता है, किस तरह का दुख हमें झेलना होता है। तो हमें दो तरह के दुख झेलने होते हैं। जो पहला जो होता है वो प्राकृतिक अशुभ होता है, जिसे हम नेचुरल इविल कहते हैं, और दूसरा जो है वह मॉरल इविल होता है, यानी नैतिक अशुभ। तो ये जो प्राकृतिक अशुभ होता है नेचुरल इविल, उसे वो क्या होता है? तो नेचुरल इविल उस इविल को कहा जाता है जब नेचर के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें अव्यवस्था झेलनी होती है, यानी जो दुख झेलना होता है, जैसे फ्लड आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, तो इन दुखों को जब हम झेलते हैं तो इसे नेचुरल इविल के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा मॉरल इविल क्या होता है, यानी नैतिक दुख हमारा क्या होता है? तो ये नैतिक दुख मनुष्य के द्वारा प्रदत्त है, ये हमारे खुद हमारा अपना बनाया हुआ है। क्योंकि जब हम अपनी इच्छा स्वतंत्रता का ही दुरुपयोग करने लगते हैं तब तो हमारे सामने दुख की उत्पत्ति होती है। जबकि नेचुरल दुख हमारा जो है वो हमारा खुद का बनाया हुआ है, इसलिए ये नेचुरल दुख हमारा पर्सनल होता है। और नेचुरल दुख जो होता है वो, ये मॉरल दुख हमारा पर्सनल होता है, जबकि प्राकृतिक नेचुरल दुख जो होता है वो सार्वजनिक दुख होता है, क्योंकि अर्थक्वेक और फ्लड जो भी आता है वो सबों के लिए होता है। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं तो ये हमारा साधारण अर्थ में याद लेते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर, ये देखना पड़ेगा कि आखिर ईश्वरवाद में जब धर्म दर्शन को हम पढ़ रहे हैं, ये धर्म दर्शन फिलोसफी ऑफ रिलीजन जब हम देखते हैं, ये जो सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए है, तो हम उसमें देखते हैं कि आखिर ईश्वरवादियों ने किस तरह से दुख की चर्चा की है, किस तरह से ये प्रॉब्लम ऑफ एविल जो हमारे सामने, या सुख की समस्या जो आती है, उसका किस तरह से उन्होंने चर्चा किया है और किस तरह से उन्होंने समाधान दिया है। तो ईश्वरवादियों के अनुसार ये स्पष्ट मानते हैं कि एक और तो हमारा ईश्वर दयालु है, सर्वगुण संपन्न है, तो फिर हमें ये दुख क्यों देते हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, हमें क्यों झेलना पड़ता है। क्योंकि उनका कहना है कि यदि ईश्वर दयालु होता तो हमें हमारे जीवन में दुख देते ही नहीं, यदि वह सर्वगुण संपन्न होते तो फिर हमें क्यों दुख देते हैं, तो हमें दुख बनाते ही क्यों संसार में, ऐसा दुख झेलना ही क्यों पड़ता। और ईश्वरवादियों के विचारों में ही इन्होंने कहा है कि, और यदि जब ईश्वर दुख को हटा नहीं सकते हैं हमारे जीवन से, तो फिर उन्हें सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता है।
तो ये सारे सवाल हमारे समक्ष ये प्रस्तुत होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो और ये जो उन्होंने ऐसा जो हुआ है उसमें इस हमारे मन में जो इस तरह की दुविधाएं आती है कि जब ईश्वर दयालु है फिर क्यों हमारे अंदर दुख है, वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है, तो फिर हमारे हमें जो दुख झेलने पड़ते हैं उसे क्यों झेलने देते हैं, उसे क्यों नहीं हमारे जीवन से हटा देते हैं। तो उसे पैटरसन महोदय ने बड़े ही अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा है इस दुविधा को, इस जो ये जो दुविधा हमारे मन में आती है इस दुविधा को एक पैटरसन महोदय एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है, बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि आइदर गॉड कुड प्रिवेंट विल फ्रॉम इंट्रूडिंग इन टू द यूनिवर्स बट डजेंट चूज टू डू सो और एल्स ही कैन नॉट डू सो इन विच केस ऑल दो ही मे बी गुड हिज पावर इज ऑब्वियसली लिमिटेड। यदि ईश्वर जो है इस एविल को संसार से दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं कहा जाएगा, दैट ही इज नॉट गुड और ही कैन नॉट डू सो, और यदि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऑल दो ही मे बी गुड, वो होते हुए भी हिज पावर इज ऑब्वियसली लिमिटेड, यानी उनका पावर सीमित है, फिर उनको सर्वशक्तिशाली और हम कैसे कहेंगे, उन्हें हम सर्वशक्तिशाली नहीं कर सकते हैं। तो ये ईश्वरवादियों के द्वारा ये कहा गया था, ये इस तरह का विचार था और उनके सामने ये समय आया था। लेकिन हमको ये देखना हो कि हम प्रीवियस हमारे जो प्रीवियस थियोस्टिक थिंकर्स है वो क्या किस रूप में दुख और कष्ट को लेते थे। तो ग्रीक युग में भी दुख कष्ट का अनुभव होता था, लेकिन उस समय के दार्शनिक उसे मैटर और आइडिया के बीच इसका विभाजन कर देते थे और उनका एक्सप्लेनेशन या उनका वर्णन करते उसका वर्णन करते थे। वे आइडियाज़ को ईश्वर मानते थे और मैटर को अवास्तविक मानते थे। और इस युग के लोगों का कहना था कि हम लोगों के दुख कष्ट के लिए मैटर या भौतिक तत्व ही जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। और इससे आगे यदि बढ़ते हैं हम मिडिल एज की ओर, मध्ययुगीन एज की काल की ओर यदि हम बढ़ें तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से चर्चा होती है। और मध्ययुगीन दार्शनिक में कौन कौन से आते हैं, तो मुख्य रूप से इसमें ईश्वरवादी दार्शनिकों में आते हैं सेंट एक्विनस, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट एंसलम, ये तीन मुख्य नाम आते हैं जो कि ईश्वरवादी दार्शनिक कहे जाते हैं। तो इन्होंने ईश्वर को सर्वगुण संपन्न माना जिसमें दयालु एवं व्यक्तित्वपूर्ण साकार ईश्वर पर ये लोग ही विश्वास करते थे। और इन लोगों ने दुख या एविल या कष्ट के को देखते थे तो इनके सामने भी एक समस्या के रूप में वो था, परंतु ये ईश्वर की शक्ति के खिलाफ को कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। वे ईश्वर को इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं मानते थे, बल्कि वे कहते थे कि मनुष्य ने खुद अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी इच्छा स्वतंत्रता जो ईश्वर ने उनको दिए के द्वारा प्रदत्त किया गया, उस इच्छा स्वतंत्रता का उन्होंने हनन किया है मनुष्यों ने, इसलिए वे दुख झेल रहे हैं और वे दुख के जिम्मेदार हैं। इसलिए मध्ययुगीन दार्शनिक जो है वो मुख्य रूप से क्या करते थे, वे मनुष्य को ही इसके लिए उत्तरदायी मानते थे। और उसे आगे चले आए तो मॉडर्न एज में के दार्शनिक जो भी हमारे सामने आए, धीरे धीरे इसकी जो व्याख्या हो गई वो एक ईश्वरवादी के रूप में इनकी व्याख्या होने लगी। इसमें थीज्म आता है, यानी ईश्वरवाद, डीथीज्म, पैनेंथीज्म, जो सब कुछ पैनथीज्म, जो ऑल इज गॉड को ही मानते हैं ये दर्शन, और ईश्वर के द्वारा ही संपूर्ण विश्व को रचित मानते हैं। और इसमें कई तरह के सिद्धांत आए, अहुरमज़दा और एक ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये सारे आते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और विकास की दृष्टि से इसे हम देखें कि विकास की दृष्टि से जो हुआ वो किस तरह से ईश्वर की को मानते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से किस रूप में हमें ईश्वर एविल को लिया जाए, यानी अशुभ की समस्या को लिया जाए। तो यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये जो हमारा विकास की दृष्टि से जो हम लोगों ने इन लोगों ने जो अशुभ की समस्या का विचार रखा है हमारे समक्ष, वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि उन्होंने किस रूप में लिया है उसे हम देखें। उन्होंने एक तर्क के द्वारा, दो तीन तर्क उन्होंने दिए हैं, और पहला तर्क उन्होंने दिया है कि एविल एंड सफरिंग्स आर द वार्निंग अगेंस्ट फ्यूचर डेंजर, और इन लोगों ने माना है कि एविल एंड सफरिंग्स यानी दुख और कष्ट जो आते हैं या जो हमें झेलना पड़ता है उसे हमें एक फ्यूचर, हमारे भविष्य में आने वाले जो दुख कष्ट हैं उनके लिए एक वार्निंग का काम करता है। इस तरह से क्या करता है, ये फ्यूचर डेंजर के लिए ये के अगेंस्ट में ये एक वार्निंग का काम करता है।
ये मनुष्य को हमारे जीवन में वर्तमान में अभी में जो हमें हमारे सामने दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि आने वाले भविष्य में आने वाले दुखों से हम सावधान हो सकें। उसके लिए यह हमें तैयार करता है। इसलिए अभी जो हमें हमारे पास छोटा मोटा ये जो दुख तकलीफ या झेलते हैं वो आने वाले तकलीफों से हमें आगाह करता है, हमें उसके योग्य बनाता है ताकि आने वाले अति से हम झेल सकें। इसलिए इन लोगों ने क्या कहा, इवेल एंड सफरिंग्स आर द वार्निंग अगेंस्ट फ्यूचर डेंजर। ठीक है, फिर दूसरे जो इन्होंने अपना पॉइंट रखा, अपना मत रखा, उन्होंने कहा है इविल एंड सफरिंग्स क्या है, वो कार्य के लिए उत्तेजक का काम करता है। उत्तेजक माने ये हमें काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गति प्रदान करता है। ये हमको ये इविल एंड सफरिंग्स जो है हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट आते हैं वे हमारे लिए उत्तेजक का काम करते हैं। इन्होंने लिखा है कि हम अपने कार्य में ज़्यादा तत्पर बने रहें, इसके लिए ईश्वर जो है एक उत्तेजक के रूप में इविल एंड सफरिंग्स को हमारे बीच भेजते हैं। हम निष्क्रिय जीवन नहीं चाहते हैं। यदि ईश्वर हमें सिर्फ आराम ही आराम देते रहें तो वह हमारे भविष्य के लिए अहितकर होगा। इसलिए ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से दयालु मालूम पड़ने पर भी, ईश्वर दयालु होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से एक उत्तेजक के रूप में इविल एंड सफरिंग्स को हमारे बीच भेजते हैं ताकि हम अपने आप को परिपूर्ण बना सकें और आगे के कार्य के लिए हम तत्पर हो सकें। और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने इस इविल एंड सफरिंग्स की जो इन्होंने इसमें जो व्याख्या की है उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। इफ़ हेयर हैड नो फियर वुड इट हैव बीन सो स्विफ्ट एज इट इज़। यानी यदि खरहे को, ये खरगोश को यदि फियर डर नहीं होता तो क्या यह इतना तेज दौड़ सकता जितना यह दौड़ता है। इफ़ लायन हैड नो एपेटाइट वुड इट हैव बीन सो स्ट्रांग एज इट इज़। यदि शेर को, सिंह को यदि भूख नहीं होती तो क्या यह इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत होता जितना यह है। इफ़ ह्यूमन बीइंग हैड नो इविल एंड सफरिंग्स वुड इट हैव बीन सो स्किल्ड एज इट इज़। और यदि मनुष्य को इविल एंड सफरिंग्स या दुख और कष्ट नहीं आते जीवन में तो क्या यह इतना कुशल होता जितना यह आज है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों को इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में इविल एंड सफरिंग्स की व्याख्या की है। और फिर उसके बाद जो विकासवादी सिद्धांत हैं, फिर उसके लिए रिलेटिव गुड्स जो तीसरी बात जो ये कहते हैं वो इविल एंड सफरिंग्स को रिलेटिव यानी सापेक्ष रूप में लेते हैं और कहते हैं कि तुलनात्मक ढंग से यदि अध्ययन किया जाए, यदि हम देखें तो इविल एंड सफरिंग्स क्या है, एक रिलेटिव गुड की तरह हमारे सामने होता है। इसलिए इस जीवन में हम जो दुख और कष्ट पाते हैं उसमें ऐसा विभाजन हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें कुछ घटना ऐसी हो जिसमें सिर्फ दुख ही दुख हो या कोई घटना ऐसी हो जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो, ऐसा नहीं है। सापेक्षता है। यदि हम दुख के अर्थ को समझेंगे तो फिर सुख के सही अर्थ को हम समझ सकेंगे। इसलिए इसे रिलेटिव अर्थ में, सापेक्ष रूप में इसे लेना चाहिए। तो इस तरह से इविल एंड सफरिंग्स की जो परिभाषा दी गई, जो बातें की गई, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मॉडर्न जो एवोल्यूशनरी विकासवादी दार्शनिकों ने जो इसकी परिभाषा दी या इसे बताया वो काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने किया। आगे जाके हम टैगोर के अलावा हम अरविंदों को, श्री अरविंदों को भी देखेंगे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या की है। और इन्होंने अपने एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कहा है कि यदि जीवन में जो विकास होता है, विकास के आधार पर दुख और कष्ट की व्याख्या ये भी करते हैं। और दुख और कष्ट जो है वो ईश्वरीय सृष्टि में मात्र साधन का कार्य करता है। टैगोर ने कहा है कि हमारे नैतिक विकास के लिए दुख और कष्ट जो है वो अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर जीवन में दुख कष्ट का बंधन ना रहे तो कभी भी हम लोग उन्नति या विकास नहीं कर सकते हैं। यह हमारे लिए मंगल का कार्य करता है जिसके द्वारा हम पूर्णता की ओर प्रगति करते हैं। तो इस तरह से हमारे मॉडर्न थिंकर्स ने और विकासवादी और दार्शनिकों ने इविल एंड सफरिंग्स की व्याख्या की है, तो अरविंद महोदय को देखें तो अरविंद जो मॉडर्न थियोस्टिक थिंकर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि ये इविल एंड सफरिंग्स की व्याख्या मानव के अज्ञानता के आधार पर इन्होंने करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि रामानुज भी इसकी व्याख्या मानवीय ज्ञानता एवं मानव जीवन के प्रगति या प्रकाश के आधार पर करने की कोशिश की है।
उन्होंने की है। यह सब हमारी अज्ञानता के कारण है। जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उन्होंने इसे अज्ञानता का प्रतीक माना और उसे यह जोड़ा कि जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी हमारे समझ में बिल्कुल आ जाएगा और दुख कष्ट से हमारी मुक्ति हो, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो यदि कंक्लूजन के रूप में यदि हमें कहने कहा जाए तो हम कंक्लूजन के रूप में यह कह सकते हैं कि वास्तव में मानव जीवन दुख और सुख का सम्मिश्रण होता है और इस सम्मिश्रण में दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात दुख के बिना सुख का और सुख के बिना दुख का कोई अर्थ नहीं होता है। सही अर्थ में सुख या आनंद का महत्व हमें तभी स्पष्ट हो सकता है या तभी समझ में आता है जब हमें दुख और कष्ट का भी कभी कभी सामना करना पड़े। सीले महोदय हैं, उन्होंने दुख या कष्ट के बारे अभी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो ये था हमारा असुख की समस्या पर हमारा विचार। आशा है आप विद्यार्थियों को पसंद आया होगा और इसे आप सुने और इसे देखें कि हमारे थियोस्टिक थिंकर्स में जो प्राचीन दार्शनिकों ने क्या कहा, मध्ययुगीन दार्शनिकों ने क्या कहा और हमारे मॉडर्न थियोस्टिक थिंकर्स ने इसे किस रूप में इसकी व्याख्या की है। इसे आप लोग देखें। आशा है कि आपके समझ में आएगा।